नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जीशान जावेद आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा तरीन खबरों पर। ढाई महीने के अंतराल के बाद आज धार्मिक स्थल एक बार फिर से खोले गए। अनलॉक के दूसरे चरण में धार्मिक स्थलों को खोलने का प्रावधान था, जिसके चलते रीवा के धार्मिक स्थल खोले गए। विश्व प्रसिद्ध या यूं कहें दुनिया की एकमात्र महामृत्युंजय मंदिर में भी आज पट खोले गए। पुजारी जी ने विधिवत पूजा अर्चना की। सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर पालन किया गया। हम आपको बता दें, रीवा किले में महामृत्युंजय का मंदिर स्थापित है। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं महामृत्युंजय मंदिर में और दिखाते हैं वहां का नजारा। और हम बात करते हैं पुजारी जी से, सब कुछ किस तरीके से ढाई महीने बाद बदल सा गया है। भक्तों को एक एक करके दूरी बना करके दर्शन करने का आदेश है और यहाँ घंटी न बजावे और कोई यहाँ पर रुके नहीं, दूरी से दर्शन करके चलते जाए। दर्शन करने के बाद नहवाने का नहीं है, ना नहवाने का है, ना कुछ ना फूल चढ़ाने का है, ना नहवाने का है, केवल दर्शन करें, दर्शन करके चलते जाए। लॉक ऑन के दूसरे चरण में धार्मिक स्थल खोले गए। आपने देखा विश्व प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर का हाल, किस तरीके से वहां पर आज के हालातों के मद्देनजर पूजा अर्चना की जा रही है। हम जा पहुंचे रीवा के छोटी दरगाह में। मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा ठिकाना इसी को कहा जा सकता है। 20 शहर में यहां पर मस्जिद स्थापित है। लगातार यहां पर लॉक ऑन के पहले लगभग 1000 लोग नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन आज यहां पर सब कुछ बदला सा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। 20 से ज़्यादा लोग नमाज पढ़ने के लिए एकत्र नहीं हो रहे हैं। जितने भी लोग यहां पर नमाज पढ़ने आ रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। वजू बनाने, जी हां, हम आपको बता दें नमाज पढ़ने के पहले वजू बनाते हैं मुस्लिम धर्म के लोग। ये कहा गया है कि आप अपने घर से वजू बनाकर आएं और सीधे नमाज पढ़ें, बाकी नमाजें आप अपने घर में जाकर पढ़ें। हम बात करते हैं मस्जिद में नमाज पढ़कर निकले बाहर कुछ लोगों से। लॉकडाउन खुल गया है तो क्या मस्जिद में क्या रूल क्या आपने फॉलो किया है? मस्जिद में जो शासन के निर्देश है केंद्र सरकार मध्य प्रदेश शासन के, कि नमाज 5 मिनट पहले अजान होगी, घर से वजू करके आएंगे और 2 फीट की दूरी मेंटेन करना पड़ेगा और मास्क पहनना अनिवार्य। मस्जिद में फॉलो नहीं फॉलो लिखा हुआ, जिसमें स्विच होना ही अभी बटन क्या वो तो बिजली की है, उसके उससे मतलब नहीं है कि लोग दिन भर बटन दबाते बंद करें। और जो नियम उसमें हिसाब से हम लोग मस्जिद में नमाजें पढ़ी, आज पहला दिन है, ये जोहर की नमाज अदा की अभी हाफिज नियामुल साहब ने कराई है और पूरे नियम से हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग पूरी तरह से लॉकडाउन का नियमों का पालन कर रहे हैं और करेंगे, जब तक उनका आदेश रहेगा शासन का वो मानते रहेंगे। लॉकडाउन के बाद हमने पहली बार नमाज अदा की यहाँ पे, हमें अच्छा लगा, बड़ी खुशी लगी कि हम सब इकट्ठा होके एकजुट होके नमाज पढ़ रहे हैं। कोरोना की वजह से हम लोगों ने नहीं पढ़ पाया जी। बहुत सुकून मिला नमाज पढ़ने, मस्जिद खुली, अल्लाह घर खुल गया, नमाज में सुकून मिला, आराम मिला। आपने देखा लॉकडाउन खुलने के बाद जो है कि नमाज आज मुसलमानों ने पहली बार पढ़ी, सोशल डिस्टेंसिंग बना के पढ़ी, दूरियाँ बना के पढ़ी, घर से वजू को बना के आए। मैं न्यूज नेटवर्क टुडे से मोहम्मद समीर सौदागर। अनलॉक के दूसरे चरण में ज्यादा एहतियात रखिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।